सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विराट स्टडी पॉइंट्स को तथा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और आप देख रहे हैं विराट स्टडी पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हम 8 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के विषय में डिस्कस करेंगे तथा उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे तथा लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप टीम। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप टीम को ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सबको बता दें इस टीम में टोटल 347 साइंटिस्ट शामिल हैं तथा आप सबको बता दें यह पुरस्कार इन्हें ब्लैक होल की विश्व की पहली तस्वीर लेने के लिए फंडामेंटल फिजिक्स के ब्रेक थ्रू पुरस्कार अर्थात ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। आप सबको बता दें यही है ब्लैक होल की फंडामेंटल फोटो जिसे अभी हाल ही में इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप टीम ने लिया है। इसके लिए इन्हें ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सबको बता दें यह ब्लैक होल M87 अर्थात मेसियर 87 आकाशगंगा में सफ़ेद गर्म प्लाज्मा के एक ज्वाला नारंगी प्रभा मंडल से घिरा हुआ है तथा आप सबको बता दें इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया किया जाता है। तो इस पुरस्कार के तहत एक सर्टिफिकेट तथा एक सील्ड और उसके साथ साथ $3 मिलियन की रकम भी दी जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन से आप सबको इतनी जानकारी मिलती है तथा आप सबको बता दें यदि वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तथा आप सबको बता दें मैं विराट डेली मॉर्निंग में 5:30 पर करण जी के रेगुलर क्लास के साथ उपस्थित होता हूँ, जिसमें मैं ऐसे 50 से 60 करंट तथा स्टैटिक जीके के पार्ट्स क्लियर करता हूँ जो अपकमिंग एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 44वें TIFF 2019 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकास स्वरूप। जी हाँ भाई, अभी हाल ही में विकास स्वरूप जी ने 44वें TIFF 2019 में इंडिया पवेलियन की शुरुआत की। आप सबको बता दें ये आप सबके माइंड में TIFF क्लिक कर रहा होगा कि ये TIFF क्या होता है। तो आप सबको बता दें सर्वप्रथम इसका फुल फॉर्म बताते हैं टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में इंडिया का इंडियन पवेलियन का शुरुआत विकास स्वरूप जी ने किया। आप सबको बता दें कि इंडिया पवेलियन का काम TIFF का कार्य क्या भाई हो। तो TIFF 2019 में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन विदेशी बाजार में भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने एवं नए व्यापार के अवसरों को सुविधा में लाने के लिए यह एक विशेष मंच है जिसे कनाडा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो कनाडा के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं। यह है मैप में कनाडा, आप सब कनाडा को मैप में देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है ओटावा तथा इसके करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर तथा इसके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इसके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो जी, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तथा आप सबको एक क्वेश्चन बताना भूल ही गया कि विकास स्वरूप जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो विकास स्वरूप जी कौन है, तो विकास स्वरूप जी भारतीय उच्चायुक्त हैं कनाडा में, इस समय भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हैं विकास स्वरूप जी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 6ठे भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता की शुरुआत कहाँ की गई है आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में राजधानी नई दिल्ली में 6ठवीं भारत चीन सामरिक वार्ता जो कि आर्थिक पक्ष से की जानी है, तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। तथा आप सबको बता दें इस वार्ता में नई दिल्ली में दो देशों के बीच बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्च तकनीक, संसाधन संरक्षण, फार्मास्यूटिकल, नीति समन्वय आदि क्षेत्रों पर केंद्रित वार्ता की मेजबानी नई दिल्ली में की गई है। तथा भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता की पहल जो हुई है इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेगा इसकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तथा चीन की तरफ से राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग अर्थात NDRC के अध्यक्ष इसकी स्थापना करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे चीन की तरफ से। तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, तो नई दिल्ली के
मुख्यमंत्री कौन है? तो नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी। तथा नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने किस राज्य के साथ समझौता किया? आप सबको बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने राजस्थान राज्य के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। आप सबको बता दें यूनेस्को राजस्थान सरकार ने कई कलाओं समुदायों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत कला और शिल्पकारों और राज्य की अन्य जो अमूर्त संस्कृतियां हैं तथा विरासत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो MOU पर हस्ताक्षर यूनेस्को के साथ किया है, तो यूनेस्को के विषय में आप सबको कुछ बताते हैं। तो सर्वप्रथम यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सबको बताते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है तो देखिएगा, नोट कीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से देख लीजिएगा भाइयों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तथा इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले जी, इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये जो MOU पर हस्ताक्षर किया गया है तो राजस्थान राज्य के साथ किया गया है। तो राजस्थान को मैप में देख ले रहे हैं, ये है मैप में राजस्थान। आप सब राजस्थान को मैप में देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है जयपुर। तथा जयपुर को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी घोषित किया गया। तथा जयपुर को ऑलरेडी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाइयों, याद रखिएगा। तथा राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। तथा यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जो हैं वो अभी नए नियुक्त हुए हैं, कलराज मिश्र जी राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तथा ये राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? तो राजस्थान की पॉपुलेशन है 6,86,21,012, जो कि इंडिया की 7वें नंबर की पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है। तथा यहाँ की बेस्ट लैंग्वेज है हिंदी। तथा यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है? तो यहाँ की लिटरेसी रेट है 67.1, जो कि इंडिया की 26वें नंबर की लिटरेसी रेट वाइज सबसे बड़ा राज्य। तथा राजस्थान की एरिया कितनी है? तो राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आप ये सब याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेलावेयर स्टेट ने किस राज्य के साथ सिस्टर स्टेट पे के MOU पर हस्ताक्षर किया? आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में गुजरात के राज्य ने डेलावेयर स्टेट, अर्थात ये एक अमेरिका का राज्य है डेलावेयर स्टेट, इसने एक सिस्टर स्टेट नाम के MOU पर हस्ताक्षर किया है। आप सबको बता दें अभी अभी गुजरात सरकार तथा डेलावेयर राज्य के साथ हुई बैठक के दौरान GIFT अर्थात गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी तथा IFSC अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अर्थात GIFT तथा IFSC ने सेवाओं और निवेश के अवसरों के क्षेत्र में सहयोग बैठक पर चर्चा की, तथा जिसमें इस सहयोग तथा जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों तथा जीव विज्ञान, वित्तीय सेवाएं, पशुपालन तथा डेयरी जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए इस MOU पर हस्ताक्षर किया गया। तो इस हस्ताक्षर को MOU को गुजरात सरकार ने वो किया है। तो गुजरात को मैप में देख ले रहे हैं, यह है मैप में गुजरात। आप सब गुजरात को मैप में देख सकते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जी। तथा इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। तथा यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? तो यहाँ की पॉपुलेशन है 6,03,83,628, जो कि 9वें नंबर पर इंडिया की पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी राज्य है। तथा यहाँ की बेस्ट लैंग्वेज जो है वो है गुजराती। तथा यहाँ की लिटरेसी रेट जो है भाइयों वो है 79.3, जो कि इंडिया की 12वें नंबर की लिटरेसी रेट वाइज सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बी बाला भास्कर को किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में नॉर्वे के भारत के
नए राजदूत के रूप में श्री बी बाला भास्कर जी को नियुक्त किया गया। आप सबको बता दें, इन्होंने इससे पूर्व MEA के WAA डिवीज़न में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। तथा आप सबको बता दें, जो भारत का 19 देशों के साथ वन क्षेत्रों के व्यापार से संबंधित है। यही है बी बाला भास्कर जी। इनकी HD फोटो नहीं मिली भाई हो, तो इसलिए थोड़ी मेहनत कीजिएगा। और इन्हें ही अभी हाल ही में नॉर्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो नॉर्वे में नियुक्त किया गया, तो नॉर्वे को मैप में देख ले रहे हैं। ये है मैप में नॉर्वे। आप सब इस येलो कलर के एरिया को आप सब देख सकते हैं, ये मैप में नॉर्वे है। तथा आप सबको बता दें, इसके प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एरना सोलबर्ग जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तथा इसकी कैपिटल है ओस्लो, यहाँ की कैपिटल है। तथा यहाँ की करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन, यहाँ की करेंसी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव में। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में मालदीव में चौथा हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। आप सबको बता दें, चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 को मालदीव के माले में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यहाँ पे भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तथा आप सबको बता दें, इस वर्ष चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का विषय क्या था भाइयों, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका विषय था सिक्योरिंग द इंडियन ओशियन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस। फिर से एक बार सुनिएगा, सिक्योरिंग द इंडियन ओशियन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस, इसका विषय था इस बार। तो मालदीव में इसे इसका आयोजन किया गया। तो मालदीव को मैप में देख रहे हैं, यह है मैप में मालदीव। आप सब मालदीव को मैप में देख सकते हैं, छोटा सा जो ग्रीन कलर का एरिया है भाइयों, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैनेज कीजिएगा। आप सबको बता दें, ये छोटा सा ग्रीन वाला एरिया मालदीव है। तथा इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है माले, जिसमें अभी हाल ही में चौथे हिंद महासागर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया। तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तथा यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रूफिया, यहाँ की करेंसी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। आप सबको बता दें, यह एक कॉफी टेबल पुस्तक है। तथा इस पुस्तक में 2003 से 2019 तक प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वालों को संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक में दर्ज है। इस पुस्तक को इंडियन डायस्पोरा क्लब द्वारा प्रकाशित किया गया। तथा आप सबको बता दें, प्रेजेंट टाइम के इंडियन डायस्पोरा क्लब के प्रेजेंट टाइम के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत कपूर। या भाइयों, अभी प्रेजेंट टाइम के इंडियन डायस्पोरा क्लब के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रजत कपूर। तथा इन्हीं अर्थात प्रवासी भारतीयों के रूप में NRI डे भी मनाया जाता है भारत में, प्रवासी भारतीय दिवस जिसे कहते हैं। तो यह कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अब्दुल कादिर का निधन हो गया, वह कौन थे, आप सबको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह एक क्रिकेटर थे। या भाइयों, अभी हाल ही में क्रिकेटर अब्दुल कादिर का निधन हो गया। तो ये कहाँ के क्रिकेटर थे? तो आप सबको बता दें, इन्हें पाकिस्तान के ये क्रिकेटर थे। तथा इन्हें पाकिस्तान के मास्टर लेग स्पिनर के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अपने करियर में 67 टेस्ट मैच तथा 104 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें कुल 368 विकेट लेने में यह कामयाब हुए हैं। तथा वर्ष 2009 में पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आप सबको बता दें, यही है अब्दुल कादिर। आप सब इन्हें देख सकते हैं, और इनकी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या भाई हूँ? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। तथा इसके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है RFLV। तथा पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान।
तथा यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तथा भारत तथा पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है? तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना था। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? आप सबको इसका जवाब बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर। जी हाँ भाइयों, अभी हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता कौन है भाइयों? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम के? तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं। तथा इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। तथा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम पे न्यूयॉर्क में स्थित है। तथा ये यूनाइटेड ये जो 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया क्यों जाता है भाइयों? तो ये है, यह दिवस शांति की संप्रेरक मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तथा आप सबको बता दें, मदर टेरेसा जी को 5 सितंबर 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तभी से अर्थात तभी 5 सितंबर से प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस के रूप में मनाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए तथा विस्तार से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तथा आपको बताना है, हाल ही में किस सार्वजनिक संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया? आप सबको बताना है। तो इसे किसने लॉन्च किया तथा किस इंस्टीट्यूट को दिया गया? तो इसे लॉन्च करने वाले सबका आपको बेहद विस्तृत से आंसर लिखना है। तथा इसी के साथ चलते हैं, चलते चलते आप सबको बता दें, यदि वीडियो यूजफुल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा लाल वाले बेल घंटे को भी अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपकमिंग डेली वीडियोज़ जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तथा यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तथा एक शेयर अवश्य किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे निरंतर इसी तरह हार्डवर्क करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, सिया हैव अ गुड डे, बाय।